भागलपुर के टॉप 10 अपराधियों में शुमार मंटू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के तिलकपुर सुल्तानगंज के देवन यादव का पुत्र मंटू यादव पर दर्जनों केस दर्ज है। हत्या का प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, चोरी, मारपीट जैसे कई संगीन मामले में नामजद अभियुक्त है। पुलिस को इसकी तलाश भी थी। मंटू आर्म्स एक्ट में भी गिरफ्तारी हेतु वांछित है एवं गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलते रहते थे। ये सुल्तानगंज, नगवछिया व खगड़िया दियारा क्षेत्र में रंगदारी की घटना को अंजाम दिया करते थे। बलपूर्वक दियारा क्षेत्र के जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे। आमजनों में इसका काफी भय था, जिस कारण से कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते थे। पुलिस ने अपराधी मंटू यादव को एक देसी कट्टा, 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल के द्वारा इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक हत्या करने के फिराक में था और उस हत्या के लिए उसने हथियार भी खरीदा था और कारतूस भी खरीदे थे। ऐसा अपराधी जो पिछले 8 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और इसके साथ ही साथ वो हमारे जो टॉप 10 की सूची है पूरे जिले की, उसमें भी शामिल था और कुल 18 कांडों में यह वांछित था, जिसमें कि हत्या के एक कांड, हत्या के प्रयास के 6 केस, आर्म्स एक्ट के 4 केस, अपहरण के 2 केस, रंगदारी का 2 केस, चोरी का 2 केस और 1 केस मारपीट का है। और इसकी गिरफ्तारी तिलकपुर जो दियरा है वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से एक देसी कट्टा और 10 कारतूस बरामद हुए। भागलपुर स्थित टाउन हॉल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार, अपर समाहर्ता नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जहां प्रदर्शन कला एवं चाक्षुष कला प्रतियोगिता सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान डीएम एडीएम को पौधा देकर सम्मानित किया गया। वहीं मोक्षदा इंटर बालिका उच्च विद्यालय के बच्चों के स्वागत गान के साथ कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू किया गया। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जिला स्तर पर 2 दिवसीय युवा महोत्सव कार्यक्रम स्थित टाउन हॉल में हो रहा है, जहां कलाकारों के अच्छे प्रदर्शन होने पर राज्य स्तर पर कलाकारों को भाग लेने का मौका मिलेगा। वहीं बता दें कि टाउन हॉल में 1000 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसके पूर्व इसी टाउन हॉल के कार्यक्रम में दर्शकों से पूरा हॉल खचाखच भरा रहता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि हर तरह से तैयार सज्जित हॉल होने के बावजूद जिला स्तर पर होने वाले युवा महोत्सव कार्यक्रम में जहां दर्शक नहीं है, वहीं कुर्सी खाली की खाली पड़ा हुआ है। कुर्सी खाली पड़े रहने के सवाल पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि दर्शकों को खींच कर नहीं लाया जा सकता है, उसमें सारा कार्यक्रम होगा और आगे आने वाले भविष्य में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, जितने भी हमारे उभरते हुए कलाकार हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हो, उनको भागलपुर में अगर परफॉर्म करना हो तो ये मंच मिल पाएगा। तो ये एक बड़ी सौगात है भागलपुर जिले के लिए और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम इस खूबसूरत टाउन हॉल में हम लोग लगातार आयोजित करते रहें। के भी न्यूज पेपर में आया है, किसी को जबरदस्ती कार्यक्रम में नहीं लाया जा सकता है। ऑफिस आवर है, लोग ऑफिस में होंगे, स्कूल में भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, सबके लिए ओपन है, फ्री में व्यवस्था है, जिसको भी आना है लोग आ सकते हैं। अब कोई कैप्टिव ऑडियंस हम लोग नहीं रखना चाहते, किसी को पकड़ के बैठाया गया। एक तरफ जहां शहर में डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, सभी अस्पताल के बेड फुल हो चुके हैं। कोरोना महामारी से भी ज्यादा त्रस्त डेंगू बीमारी से लोग हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की उदासीनता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पूरे शहर में कई टन कूड़ा डंप किया हुआ है। जिस रास्ते से आप गुजरेंगे उसी रास्ते में कूड़ा का डंपिंग नजर आएगा। लोगों को रास्ते से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दुर्गंध से जीना दुभर हो रहा है। इसको लेकर भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कई वार्डों का निरीक्षण किया और काफी असंतोषजनक स्थिति दिखी। गौरतलब हो कि साफ सफाई करने का जिम्मा जिस प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, वह प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह शहर की साफ सफाई में खड़ा नहीं उतर रहा है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा, या तो उसे हटाना होगा या फिर मैं आवेदन देकर उस प्राइवेट कंपनी को हटाने की मांग करूंगी, क्योंकि साफ सफाई शहर में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मैं इस प्राइवेट कंपनी के काम से काफी नाखुश हूं और पूरा शहर कूड़े का अंबार बना हुआ है। वार्ड का निरीक्षण किया पर इतनी गंदगी देखी हमने कि ये सहने लायक नहीं है और बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं है।
और जिस वार्ड को उन्होंने बोला कि मेरा वार्ड सबसे साफ है, 16 नंबर बोला, तो हम बोले दिखाओ हमको कौन सा वार्ड जो 16 नंबर बताए उसमें इतनी गंदगी है कि चलना दुभर है, नाक बंद करके लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इन लोग को कितनी भी सुविधा दे दिया जाए इन लोग सही से नहीं कर पाएंगे, हमें पूरा उम्मीद है। और हमको लगता है कि इन लोग को टाइम हम दिए हुए हैं और एक लेटर अब इशू करेंगे कि आप लोग किस तरह से जाएंगे, अपने से जाएंगे या आप लोग को हम लोग नोटिस दे करके यहाँ से विदा करें। नहीं उठा है भाई, 3-4 दिन से, वो भी मेयर के सूचना मिलने के पर आज उठा कूड़ा, नहीं तो 3-4 दिन से ऐसे कूड़ा रखा हुआ था। कितना देर पहले उठा कूड़ा भाई? 15 से 20 मिनट पहले। अब महकता इतना, हम लोग पर उठाया अभी सही से नहीं उठाया है, जहाँ तहाँ छोड़ दिया, ना झाड़ू पड़ता है, ना ब्लीचिंग है, कुछ नहीं एकदम। और महक से हम लोग के दुकानदारी में आने जाने में बड़ा दिक्कत होता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज स्नातक पाठ्य सत्र 2020-23 के छात्रों ने जन अधिकार छात्र परिषद के मालवाली महाविद्यालय अध्यक्ष शुभम कुमार झा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर जोरदार परीक्षा विभाग और कुलपति कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों ने उग्र होते हुए सभी विभागों को बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय थाना पुलिस के साथ साथ CIET की भी तैनाती कर दी गई है। जन अधिकार पार्टी के मारवाड़ी महाविद्यालय अध्यक्ष शुभम कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य को ताक पर रख कर बिना पढ़ाई कराए परीक्षा की तिथि घोषित कर दिए, जो कि सरासर गलत है। पाठ्य का एग्जाम डेट जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक विश्वविद्यालय में तालाबंदी रहेगी। पहले भी कुलपति और परीक्षा नियंत्रक से कई बार मिलकर परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन ना तो कुलपति ने कोई संज्ञान लिया, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ही कुलपति से कोई बात की गई। छात्रों का कहना है कि अगर डेट नहीं बढ़ाया गया तो इसके लिए लगातार उग्र आंदोलन चलता रहेगा। इस मौके पर प्रियांशु यादव, विष्णु कुमार पटेल, सौरभ सरगम, राजा कुमार भगत, दीपांकर कुमार, सालू कुमारी, स्नेहा कुमारी समेत काफी संख्या में छात्र उपस्थित थे। हम लोग स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा तिथि बढ़ाने को लेकर विश्वविद्यालय में घेराव किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ के भ्रष्ट कुलपति लगभग 15 दिन से विश्वविद्यालय नहीं आए हैं, अपने आवास पर बैठे रहते हैं। हम लोग आवास पर जाते हैं तो अपना तनाशाह के रूप में अपना प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन को बुलाकर हम लोग को डराने धमकाने का काम करते हैं प्रत्येक दिन। आज हम लोग पार्ट का एग्जाम बढ़वाने के लिए आए, कहा कि हम लोगों का क्लास अभी मुश्किल से 2-3 दिन हुआ है, इसमें हम लोग एक साल का पूरा कोर्स कैसे पढ़ पाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल बिहार के सभी जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी बाबत भागलपुर भी पहुंची और महिला को एकजुट करने के साथ ही अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए संबोधित किया। उन्होंने आगामी 2024 और 25 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति भी पार्टी की महिलाओं के साथ साझा की। उन्होंने कहा 2024 और 25 इंडिया अलायंस का है, इसके लिए हम लोगों को मजबूत होना होगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ठगने का काम कर रही है, छलावा करने का काम कर रही है। उन्होंने जो बेटी बचाओ का नारा दिया था वह बिल्कुल गलत था, उनके राज में महिला बिल्कुल और सुरक्षित है। चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां बीजेपी के सांसद और विधायक मौन हो जाते हैं। जनता 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी और इंडियन अलायंस के साथ जनता रहेगी। देखिए, मुझे जब से शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है राष्ट्रीय जनता दल के, मुझे महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, उसी जिम्मेवारी का निर्वहन के लिए आज मैं सभी जिलों में विजिट कर रही हूँ। अब तक मेरे 24-25 जिले हो चुके हैं और उसी क्रम में आगे मैं अभी भागलपुर आई हूँ और ये हमारी यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं आशा जी। तो मेन हम लोगों का ये कि संगठन को मजबूत करना, जिले से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर के बूथ तक पे राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का भरोसा जीतना, विश्वास जीतना और संगठन को मजबूत करना, ताकि आने वाले चुनाव के लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार रहे, ये मेन मकसद हमारा यही है। बाबा, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में एक छात्र आदित्य कुमार ने पंखा में फंदा डालकर आत्महत्या कर लिया। इस घटना की सूचना मृतक के भाई अभिनव कुमार ने रेलवे पुलिस एवं स्थानीय पुलिस को देने पर घटनास्थल पर रेलवे स्टेशन मास्टर दीपक कुमार, RPF और GRPF के साथ सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रेरंजन कुमार
दल बल के साथ रेलवे कॉलोनी पहुंचकर मृतक आदित्य कुमार का शव कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। वहीं इस मामले में मृतक आदित्य कुमार के भाई अभिनव कुमार ने बताया, हमारे पिता राजेश कुमार ठाकुर रेलवे ट्रैक मैन में सुल्तानगंज के अकबरगंज स्टेशन में कार्यरत है, जो हाल ही में बदली होने पर अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। हमारे भाई आदित्य रेलवे क्वार्टर में अकेले रहकर पढ़ाई करता था, जो 11वीं का छात्र था। सूचना मिलने पर जब रेलवे क्वार्टर आया तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर आया तो देखा कि हमारे भाई आदित्य कुमार रूम के पंखा में रस्सी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। पता नहीं, हम कॉलेज शायद ये गेट बंद था वो वाला। जी जी, पहले उधर से खिड़की सब बजा करके उसको जब हमको लगा सो गया होगा, जगाने की कोशिश किए नहीं जगा, तो उसको जोर से धकेलने में खुल गया वो गेट, यहाँ देखते लटका हुआ। शहर में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक ने एक ठेला को पीछे से जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे ठेला ले जा रहे व्यक्ति घायल हो गया। वहीं मोटरसाइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया और घटना को लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ। घटना हुआ है, कैसे मार दिया? मार दिया, पासे से सीधे गाड़ी के फेंक दिया। ये इसमें कोई क्षति, क्या किस तरह का क्षति हो गया कि माथा फट गया हुआ है, बेहोश है, मेडिकल में गया हुआ है।